ही गाइस, मैंने यहाँ बनाया हुआ है DIY हाइलाइटर। इजी टू मेक है, काफ़ी अच्छा ग्लो करता है, रियल लगता है चेहरे पे, एक अच्छा सा साइन प्रोवाइड करता है। इसे आप एज अ बॉडी हाइलाइटर भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा मिलाना होता है, वो क्या वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, तो प्लीज़ स्किप ना करें वीडियो को और फुल देखें, काफ़ी छोटा वीडियो क्लिप है। तो मेकअप करो ना करो गाइज, हाइलाइटर का इस्तेमाल ज़रूर करना। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से मैंने ये हाइलाइटर बनाया हुआ है। काफ़ी अच्छा पिंकिस ग्लो देता है, पिंकिस लगता है। तो मेरे दूसरे फिंगर्स पे इंक लग गया है, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ कि कितना अच्छा हाइलाइटर बनकर तैयार हुआ है हमारा। तो आपने देख ही लिया है, मैंने इस हाइलाइटर को बनाने के लिए पिंक कलर के ग्लिटर पाउडर का इस्तेमाल किया है। आप किसी भी ग्लिटर पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो, वाइट और गोल्डन, जो कि इजीली मार्केट में मिल जाता है। मैंने यहाँ पिंक का इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि इसमें ब्लश के साथ आप ये बहुत अच्छे से मैच कर जाता है, मिक्स हो जाता है और आपको बिल्कुल पिंक कलर का ब्लश की तरह काफ़ी खूबसूरत साइन देता है। आप अगर वाइट और गोल्डन लोगे तो वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आप इसे कहीं से भी परचेस कर सकते हो मार्केट और कॉस्मेटिक्स में। मैं आपको इसका लिंक ऑनलाइन प्रोवाइड कर दूंगी, अगर आपको कहीं नहीं मिलता तो ऑनलाइन आप इसे मंगा सकते हो, काफ़ी सस्ता है। मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल इसके साथ मिक्स किया है, आप किसी और चीज़ का मिक्स ना करें, क्योंकि एलोवेरा जेल आप देख सकते हो कि इसका कोई कलर नहीं होता है। इसमें हल्का ग्रीन कलर है बट आपके फेस पे यह पता नहीं चलेगा। इसके साथ अगर आप कोई और चीज़ लेते हो जैसे कि बोरो प्लस और वैसलिन, तो वो आपके फेस पे एक अलग सा चिपचिपाहट देगा, जो जिसमें कि गंदगी और कुछ भी आकर के चिपक सकता है आपके फेस पे। तो आप ऐसी चीज़ लें जो कि मिक्स करें, जो कि आपके स्किन में वो एब्जॉर्ब हो जाए और आपकी स्किन को भी हेल्दी बनाए। तो एलोवेरा से अच्छा कुछ नहीं होता क्योंकि वो हमारे स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है। और इसमें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अगर आपको थोड़ा सा कम लगे तो इसमें आप एक्स्ट्रा भी मिक्स कर सकते हो। और इसमें हम एक और चीज़ मिक्स करने वाले हैं, वो है गुड वाइब्स का। मैं मिक्स कर रही हूँ, आप किसी भी चीज़ का मिक्स कर सकते हो। जी हाँ, गुड वाइब्स का फेशियल ऑयल, इसमें मैं कुछ बूंदें इसकी मिक्स करूँगी। अगर आपके पास ना हो तो आप इसमें ऑलिव ऑयल और नारियल का तेल या फिर बादाम का तेल भी आप इसमें मिक्स कर सकते हो। मिक्स करने के लिए 5 से 7 बूंदें काफ़ी होगी। इसमें थोड़ा सा हाइलाइटर बना लो, काफ़ी समय तक चल जाता है। तो ये हाइलाइटर आई थिंक मुझे 1 महीने से ज़्यादा भी चल जाएगा अगर मैं डेली भी अप्लाई करूँ तो। अगर आप न्यूली ब्राइड हो तो आप कुछ इस तरीके से घर में बनाकर भी आप हाइलाइटर का इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत खूबसूरत लगेगा, काफ़ी अच्छी साइन आपके चेहरे पर आएगी। वैसे भी न्यूली ब्राइड के तो काफ़ी अच्छे साइंस रहते ही हैं पहले से चेहरे पर, बट और भी खूबसूरत लगेगा। अगर आप बॉडी हाइलाइटर बनाना चाहते हो तो आपको इसमें एक चीज़ और मिक्स करनी होगी, मॉइस्चराइज़र। अगर आप मॉइस्चराइज़र के साथ भी आप इसे मिक्स करके बहुत अच्छे से बॉडी पे अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप बॉडी लोशन में भी आप ये ग्लिटर मिलाकर काफ़ी अच्छे से बॉडी को साइन प्रोवाइड कर सकते हो, काफ़ी अच्छा दिखता है। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा वाइट और गोल्डन लेने की ग्लिटर, वो और ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। गाइज, अगर आपको वीडियो आज का अच्छा लग रहा हो, इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो, तो प्लीज़ लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मैंने यहाँ मैंने उस फिंगर से प्रेस नहीं किया क्योंकि उसमें इंक लगा था। तो आप ऐसे देख लें और देखिए कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है और काफ़ी अच्छा ग्लिटरी साइन दे रहा है। और ये तुरंत सूख भी जाता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे ये तुरंत स्किन में एब्जॉर्ब हो जा रहा है। रुकिए मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ, तो आप देख लीजिए कि ये बिल्कुल तुरंत ही एलोवेरा होने की वजह से ये तुरंत स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। इसका ग्लिटर आपके स्किन पे फैलता नहीं है, ये देखिए, तो ये आपके स्किन पे बिल्कुल भी फैलेगा नहीं और बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगेगा। तो मैं अब आपको अपने फेस पर भी लगा कर दिखा देती हूँ ये हाइलाइटर, आप खुद देख सकते हो वाओ कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप इसे इजीली घर पे अब बना पाओगे, अब आप डिफरेंस देख पाओगे मेरे दोनों चीक्स पे कितना ज़्यादा अंतर लग रहा है, इधर और इधर आप देख सकते हो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी गाइस, तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूले। बाय, मिलते हैं।